हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी पावर बैंक 1 एंड रियलमी पावर बैंक 2 के कंपैरिजन वीडियो में आपको अब बताने वाला हूं, और बताने वाला हूं इन दोनों पावर बैंक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और कौन सा पावर बैंक आपको परचेज करना चाहिए आज के डेट में अगर आपको एक पावर बैंक लेना है रियलमी की तरफ से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा जो है वो बेस्ट होने वाला है इन दोनों पावर बैंक्स में। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, रियलमी पावर बैंक 1 जो है वो रियलमी का फर्स्ट पावर बैंक था जो उन्होंने लॉन्च किया था, बट उन्होंने एक और जो पावर बैंक है वो लॉन्च कर दिया है रियलमी पावर बैंक 2। और इन दोनों पावर बैंक में आपको 10,000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, 18W का आउटपुट जो है वो दोनों पावर बैंक मिलता है, क्विक चार्ज का सपोर्ट इन दोनों पावर बैंक में आपको मिलता है, बट कुछ कुछ जो फीचर है वो लेटेस्ट वाले में आपको एक्स्ट्रा मिलता है। फर्स्ट मैं प्राइस का बात करूँ तो रियलमी पावर बैंक 1 जो है उसका प्राइस 1300 rupees है, बट रियलमी पावर बैंक 2 जो है वो जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया है उसका प्राइस आपको 999 rupees रखा गया है। तो प्राइस में ही आपको 300 rupees का डिस्काउंट मिल जाता है, और सिमिलैरिटीज़ दोनों में सेम ही है, दोनों में आपको 10,000 mAh का ही बैटरी मिलता है और 18W का क्विक सपोर्ट भी है, क्विक चार्ज का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। बट अगर आप इससे बैटरी को चार्ज करते हैं, रियलमी पावर बैंक 1 को अगर आप चार्ज करते हैं दूसरे चार्जर से, आप चार्जर देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो उसमें उससे अगर आप चार्ज करते हैं तो टाइमिंग जो है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। टाइम जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा अपने फ़ोन को चार्ज करने में, और उसके साथ साथ आपको डिवाइस अपने पावर बैंक को चार्ज करने में। और दोनों पावर बैंक में आप एक साथ ही फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं और पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं, तो दोनों में ये फ़ीचर जो है वो अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो फर्स्ट आपको रियलमी पावर बैंक 1 में आपको 12 लेयर प्रोटेक्शन मिलता है, और रियलमी पावर बैंक 2 में आपको 13 लेयर प्रोटेक्शन मिलता है, तो एक लेयर प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा मिलता है। और दोनों पावर बैंक में आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी लगाया गया है, कोई सेल्स इसमें यूज़ नहीं किया गया, लिथियम आयन बैटरी जो है इन दोनों पावर बैंक में लगाया गया है। और कलर्स के मामले में बता दूँ तो रियलमी पावर बैंक 1 में आपको ज़्यादा वेरियंट वाले कलर्स मिलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रे, येलो, ये 4 कलर अवेलेबल है पिछले वाले पावर बैंक में, बट लेटेस्ट वाले पावर बैंक में आपको ग्रे और येलो कलर ही मिलता है, 2 कलर वेरिएंट ही अवेलेबल होंगे इसमें। सो जो लेटेस्ट वाला पावर बैंक है इसमें आपको 2-in-1 केबल जो है वो आपको मिलता है, तो एट अ टाइम आप टाइप सी में कन्वर्ट कर सकते हैं और माइक्रो USB में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोनों में आपको, दोनों पावर बैंक में आपको USB टाइप सी मिलता है और एक USB मिलता है। और जो पिछले सीजन वाले जो पावर बैंक है वो जो पावर बैंक है उसमें सिर्फ ये डिनोट किया गया है कि ये सारे डिवाइसेस से कॉम्पैटिबल है, बट आज जो लेटेस्ट वाला पावर बैंक है उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारे जो डिवाइसेस उनमें ये सब कॉम्पैटिबल है। और जैसे ही आप दूसरे फ़ोन में चार्ज लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट करेगा और आपके फोन को जितना उसको आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, उतना वो डिटेक्ट करेगा और उतना ही आपको उसके फोन को देगा, और उसके बाद उसको चार्ज करेगा। तो बिना आपके डिवाइसेस को हार्म किए हुए, बिना आपके वॉच को और अदर ईयरफोन ये सब को हार्म किए हुए आपके डिवाइसेस को अच्छे से चार्ज कर देगा। अगर आप इससे वॉच चार्ज करते हैं, ईयरफोन चार्ज करते हैं, तो एक लो पावर मोड में चला जाता है और उससे आपके डिवाइसेस को काफ़ी अच्छे से चार्ज कर देता है। तो ये सब फीचर जो है वो लेटेस्ट वाले पावर बैंक में मिलता है, प्राइस भी कम है, डिज़ाइन भी अच्छा है, और इसमें ग्रिप भी दिया गया है, स्ट्राइप वाला ग्रिप भी दिया गया है, रबर फिनिश वाला, जिससे आप फिंगरप्रिंट ये सब जो है वो इस पावर बैंक में नहीं आएगा, पिछले वाले पावर बैंक में ये सब प्रॉब्लम था। तो ये सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हुए और थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के बाद, पैसे और प्राइस को भी कम करने के बाद जो रियलमी ने ये काम किया वो बहुत ही बेहतरीन है। सो अगर आपको रियलमी का पावर बैंक परचेस करना है तो आप लेटेस्ट वाला रियलमी पावर बैंक 2 जो है वो आप परचेस कीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन है और हर फोन को, हर डिवाइस को ये चार्ज करेगा इजीली, आराम से, तो आप चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।